नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अगले महीने से होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 229 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें मध्य प्रदेश से 144, छत्तीसगढ़ से 30 और तेलंगाना से 55 उम्मीदवारों के नाम है। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को पार्टी ने छिंदवाड़ा से टिकट दिया है। सीएम शिवराज के खिलाफ बुधनी से विक्रम मस्ताल को उतारा गया है। मसाल ने 2008 में आई रामायण में हनुमान का किरदार निभाया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उनकी परंपरागत सीट पटना से और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को अंबिकापुर से प्रत्याशी बनाया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें 144 सीटों पर नामों की घोषणा की है। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में पुराने चेहरों पर दाव लगाया है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 144 पर नामों का ऐलान किया है। 86 सीटों पर ऐलान बाकी है। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से 30 सीटों पर नामों की घोषणा हुई है। यहां 60 सीटें बाकी है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।